हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो हमने यूनिट्स तो अच्छे से बना ली हैं। सो अब जो यूनिट हमने बनाई हैं, उन यूनिट्स को साथ में मिलाकर चलाना आवश्यक है ना? क्या ये यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके साथ में मिलके एक टोटल सिस्टम कंपोनेंट फॉर्मुलेट कर पा रही है? तो यहां पर इस पूरी चीज को अश्योर करने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके। सो आप समझिएगा, जो प्रोग्रेसिव सिस्टम्स होते हैं, प्रोग्रेसिव सिस्टम्स मतलब एक पर्टिकुलर, आप जैसे मैं एक ब्रांड की बात करूं, पेटीएम या कोई और वेबसाइट की बात कर लें, तो उनका जो स्टार्टिंग वर्जन रहा होगा वो बहुत ही बेसिक था, है ना? उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने ग्रोथ की, वैसे उनमें सर्विसेज और फीचर्स और ऐड होते चले गए। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक जुड़ता है, तो कंप्लीट और इंडिपेंडेंट और अटैच और डिटैच, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अब ये जो ब्लॉक इसमें जुड़ा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ जुड़ने के बाद जो फीचर एनहांस होके निकल कर आए, मतलब पहले आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक के ना फीचर और फंक्शनैलिटी की बात कर रहे थे, अब इन दोनों का साथ में मिलके एक बड़ा डब्बा बन गया और उसके फीचर और फंक्शनैलिटीज की बात कर रहे हैं। क्या ये वो पर्टिकुलर टारगेट जो इन दोनों को मिलाने के बाद अचीव करना था, क्या वो अचीव हो रहा है? क्या ये पॉइंट्स जो चार पॉइंट्स बने हैं वो अचीव हो रहे हैं? ठीक है, तो ये पूरा फोकस रहता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। इवन इफ द यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर वर्किंग फाइन, अलग अलग यूनिट्स, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर, दीज ऑल आर वर्किंग फाइन, देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट इफ द यूनिट, इफ इंटीग्रेटेड टुगेदर, दीज यूनिट्स इंटीग्रेटेड टुगेदर वुड ऑल्सो वर्क विदाउट एरर्स, इन सभी को मिलाकर चलाने पर ये फ्लॉलेसली काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो आपने देखा होगा APIs होती हैं, उन्हें हम कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में और फिर प्रोग्राम में उन APIs के बेसिस पे अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। सो API इंटीग्रेशन, उसमें पैरामीटर पासिंग, डेटा अपडेशन, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सब इन्हीं पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस के बेसिस पर हो पाती हैं। और जो मेन फोकस है वो क्या है कि ये कंपोजिट सिस्टम जो मॉड्यूल वन बन रहा है इन चारों को, यूनिट्स को मिलाकर, द मॉड्यूल वन शुड रिफ्लेक्ट ऑल द फीचर एंड फंक्शनैलिटी, ऑल द टारगेटेड फीचर एंड फंक्शनैलिटीज। ठीक है, सो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। वर्जन हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में बताया था, अगर वर्जन 1.2.1 की बात कर रहे हैं और वर्जन 1.3.9 की बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस बताया था कि अगर 1 से 2 होता है या 1 से 9 होता है तो बेसिकली ये माइनर चेंजेस होंगे, लेकिन जो बीच वाला जो चेंज होता है ये उससे इंटरमीडिएट चेंजेस कहलाते हैं। और ये सबसे पहली डिजिट अगर चेंज हो गई, मान लो ये वर्जन 2.9.1 हो गया, तो इसका मतलब है मेजर चेंजेस हुए हैं, 1 से 2 हो गई पहली डिजिट। ठीक है, सो मेजर, इंटरमीडिएट एंड माइनर चेंज। तो जैसे जैसे चीजें ग्रोथ की तरफ बढ़ती हैं और नए मॉड्यूल ऐड होते हैं और इसमें बहुत सारे केसेस भी आते हैं, आपने देखा होगा नया वर्जन शायद उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है जितना पुराना वर्जन कर पा रहा था, सो ये सारे इश्यूज आते हैं जनरली इंटीग्रेशन के टाइम पर। आपने भी देखा होगा कभी कभी आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग करने के टाइम पर थोड़े बहुत एक दो चेंज किए आपने, पूरा कोड चलना बंद हो जाता है, तो उसके कंसिक्वेंसेस हैं। एक्चुअली आपने ऐड किया, अब वो उसका इफेक्ट कितना लिया, उसका स्कोप क्या था जिसको भी आपने ऐड किया है, तो उसके बेसिस पर उसका इफेक्ट आएगा और फाइनली वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है इंटीग्रेशन के टाइम पर। सो वी विल डिस्कस मोर डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू।